एबीपीएस न्यूज टीम का अगला पड़ाव जनपद संभल के ब्लॉक पंबासा में स्थित काजी बहटा गांव पड़ा। इस गांव की दूरी ब्लॉक से 8 किलोमीटर तो वहीं जिला मुख्यालय से 8 किलोमीटर ही है। लगभग 5000 की आबादी व 1800 वोटरों द्वारा काशीराम को अपना ग्राम प्रधान चुनकर गांव के विकास की जिम्मेदारी सौंपी है। वर्तमान समय में गांव में लगभग 600 राशन कार्ड धारक हैं। गांव में शिक्षा के स्तर की बात करें तो प्राइमरी पाठशाला व जूनियर हाई स्कूल में लगभग 330 बच्चे शिक्षा ग्रहण करने आ रहे हैं। गांव में विकास कार्यों की बात करें तो पेयजल आपूर्ति व्यवस्था दुरुस्त करने के लिए 40 हैंडपंप लगे हुए हैं, जिनमें से वर्तमान प्रधान द्वारा 2 हैंडपंपों को भी रिपोर्ट कराया गया है। वहीं विद्युत व्यवस्था दुरुस्त करने के लिए गांव में विद्युत पोल, विद्युत ट्रांसफार्मर भी लगा हुआ है। वर्तमान प्रधान द्वारा गांव में सीसी टाइल्स रोड, खड़ंजे, पानी निकासी के लिए नाली, पुलिया व पानी की टंकी का निर्माण कराया गया है तथा वर्तमान प्रधान की देखरेख में स्वच्छ भारत मिशन के तहत 30 इज्जत घरों व प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 5 आवास का भी निर्माण कराया गया है। एबीपीएस न्यूज टीम से बात करते हुए ग्राम प्रधान ने गांव में पानी निकासी के लिए नाला, सीसी टाइल्स रोड, खड़ंजे, बारात घर, स्वास्थ्य केंद्र, पंचायत घर, शमशान घाट, प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 25 आवास व स्वच्छ भारत मिशन के तहत इज्जत घरों के निर्माण की मांग राज्य व केंद्र सरकार से की है। मैं ग्राम प्रधान काशीराम काजी बैठे से बोल रहा हूँ और ब्लॉक पमासा तहसील चंदौसी जनपद संभल से। जो मैं मेरे ग्राम निधि में जो धनराशि आई है उसका मैंने कुछ कार्य करा है, जैसे क्या खड़ंजे नाले और हेडपम्प रोड ये कराए हैं और सीसी टाल ग्राम कराए हैं और गांव स्कूल पर मैंने दोनों स्कूलों में 3 शौचालय बनवाए और कुछ और भी सीसी टाल के स्कूल में बिछवाई है। जो धनराशि आई है मेरे खाते में उसे पूर्ण रूप से मैंने सही ढंग से यूज करके मैंने लगाया है और भी बहुत कार्य रह गए हैं जिससे मैं उनको नहीं करा पा रहा है, जैसे क्या मेरे ग्राम पंचायत में मतलब नाला नहीं है की ज़रूरत है जिससे पानी के निकास के लिए बड़ी दिक्कत किल्लत रहनी पड़ती है और कुछ खरंजे भी उसकी बहुत ज़रूरत पड़ती है, बारात घर है और जैसे क्या हेडपम्प है, हेडपम्प की बहुत ज़रूरत है, पानी की दिक्कत रह रही लोगों को, जो हेडपम्प मैंने 8-9 रिपोर्ट करा दिए और लोग बहुत मांग कर रहे हैं और परेशान हो रहे हैं लोग, इसलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ पैसे धनराशि जैसे बढ़ के आएगी मैं और कार्य कराऊँगा, पूर्ण ईमानदारी के साथ से करा रहा हूँ और आगे भी कराऊँगा। और जैसे और मैं आपसे और अनुरोध कर रहा हूँ जैसे मेरे गांव में मतलब सोच भी आवास के लिए बहुत गरीब पात्र लोग हैं, 25-30 लोग हैं, इनको अभी तक आवास नहीं मिला है, बेचारे बहुत परेशानी का सामना करना पड़ रहा है, जिससे वो लोग बेचारे झोंपड़ पट्टी में बाहर रह रहे हैं, एक दो बार तो झोंपड़ी में आग लग गई, बेचारे रो रहे चिल्ला रहे क्या करें क्या ना करें। तो सर मुख्यमंत्री जी से मैं अनुरोध करूँगा जिससे उनके लिए पैसा दिलवाया जाए, जिससे उनके आवास बन जाए, अपने नासियाना बन जाए, जो आपकी तारीफ करेंगे, मेरा भी थोड़ा सा सहयोग कर दूंगा साहब, उनको बनवाने में पूरा सहयोग करूंगा। मैं शौचालय की दिक्कत आ रही है उसमें मैं गांव में ODF कराना चाह रहा हूं, उसमें धनराशि आप भिजवाएं तो सर पूरे गांव में शौचालय बनवा के गाँव को मैं ODF कराऊंगा। और गाँव में जैसे हमारे गाँव में फ्रीज पैसा धनराशि हो रहा है तो फ्रीज लगवाने की कह रहे हैं लोग, तो पानी जिससे लोगों को ठंडा पानी मिलेगा और लोग मतलब सभी गरीबों को कहाँ मिलता है पानी पीने के लिए गाँव में, तो इसलिए ठंडा पानी पिएंगे लोग, आगे तारीफ करेंगे, आप मुख्यमंत्री जी मैं अनुरोध करूँगा। और जैसे क्या हमारे गाँव में एक समुदाय केंद्र होना चाहिए और जिससे लोगों को कहते हैं उपचार करने के लिए बीमारी की दूर बाहर जानी पड़ेगा, जिससे उनको दवा मिले, गाँव में परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा।